प्रदेश में सरकार बदलने के 2 महीने बाद सिरोही पुलिस कप्तान का तबादला हो गया और सिरोही जिले की नई पुलिस कप्तान वंदिता राणा ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। नई पुलिस कप्तान का एडिशनल SP ब्रजेश सोनी ने स्वागत किया और पुलिस के जवानों ने SP को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। नई SP वंदिता राणा ने पदभार ग्रहण कर मीडिया कर्मियों से भी रूबरू हुई और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ शराब तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाना अपनी प्राथमिकता बताया। SP राणा ने कहा कि वो इससे पूर्व IFS सर्विस के दौरान सिरोही जिले में सेवाएं दे चुकी हैं। जिले की हालातों से वो अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, तो अब वह बतौर पुलिस कप्तान कार्य करने में पुराना अनुभव भी काम आएगा। इस दौरान सिरोही डिप्टी पारस चौधरी और पिंडवाड़ा डिप्टी जेटू सिंह करनोद भी मौके पर उपस्थित रहे। आज सिरोही जिले में SP के पद पर कार्यभार संभाला है। अब अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर बैठकर डिस्कशन करके जो चैलेंजेस हैं उनको ज़्यादा डिटेल में समझा जाएगा और उनको डिटेल में समझने के बाद जो लोकल चैलेंजेस हैं उनको डील करने के लिए अपनी कार्य योजना बनाकर और उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। अब तक जो बातें हैं, जो मेनली इश्यूज़ रहते हैं, वो एक शराब तस्करी से संबंधित और कुछ थोड़ा बहुत NDBA से संबंधित जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर तो प्रायोरिटी रहती ही है और रहेगी। इसके अलावा महिला अत्याचार और समाज के जो पिछड़े वर्ग के साथ जो भी अत्याचार होते हैं उसमें कितनी जल्दी हम किसी भी घटना को खोलें और जल्दी से जल्दी परिवादियों को रिलीफ दिया जा सके, ये हमारी हमेशा प्राथमिकता रहती है। और जन सुनवाई जो है, जैसे कि सरकार की भी मंशा है, जन सुनवाई अच्छी तरीके से हो, हमारे द्वारा, हमारे अधीनस्थ सभी अधिकारियों के द्वारा, और जनता की जो सुनवाई करके जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए, ये हमेशा प्राथमिकता रहे। जी, मैं पहले भारतीय वन सेवा में जब कार्यरत थी तब यहाँ पर मैंने अपना प्रोबेशनर बिताया है, तो पुलिसिंग अब करेंगे लेकिन पहले भारतीय वन सेवा के अधिकारी के रूप में डेफिनेटली मैं सिरोही में समय बिता के गई हूँ।